जहां से ये कहानी हमने अपने लास्ट वीडियो में छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। यानी कि इस कंक्लूजन से कि नेहरू जी ने भारत को बहुत कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन भारत का बहुत कुछ चाइना और पाकिस्तान को अवश्य दिया। सो लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ आनंद रंगनाथन ऑन व्हाट ऑल मिस्टर नेहरूज कांग्रेस लॉस्ट। मिंसर वॉज लॉस्ट, कलात वॉज लॉस्ट, ग्वादर पोर्ट वॉज लॉस्ट, नेपाल वॉज लॉस्ट, पीओके वॉज लॉस्ट, गिलगिट बाल्टिस्तान वॉज लॉस्ट, चित्राल वॉज लॉस्ट, हाजी पीर पास वॉज लॉस्ट, अक्साई चीन वॉज लॉस्ट, शाक्सगाम वैली वॉज लॉस्ट, सदर्न डेमचौक वॉज लॉस्ट, कबाऊ वैली वॉज लॉस्ट, चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट वॉज लॉस्ट, कच्छ तीवू वॉज लॉस्ट, कोको आइलैंड वॉज लॉस्ट। एंड टू सम अप, नॉट ओनली भारत लैंड वॉज लॉस्ट बट इट्स रिस्पेक्ट वॉज लॉस्ट टू। हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में नेहरू जी द्वारा उन क्षेत्रों को खोने की चर्चा की थी जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का भाग होने चाहिए थे, जैसे मिंसर, कलात, ग्वादर और नेपाल। और इस पार्ट में हम बात करेंगे उन रीजन्स की जो कि भारतीय टेरिटरीज होते हुए भी भारत के हाथ से जाने दी गई। अब भाई नेहरू जी की कांग्रेस है ही इतनी डायनेमिक, जो भारत का होना चाहिए था वो तो लिया ही नहीं, ऊपर से जो भारत का है इन्होंने वो भी लुटा दिया। सबसे पहले बात करते हैं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की। 1947-48 के इंडो पाक वॉर में इंडियन एयरफोर्स के असिस्टेंस से इंडियन आर्मी ने कई बड़े क्षेत्र जीत लिए थे। भारत के वीरों ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन उनके शौर्य को अपनी पॉलिटिकल विल से और सशक्त करने की जगह श्री नेहरू युद्ध विराम के लिए यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए और एक बायलेटरल इशू को इंटरनेशनल इशू बना दिया। सभी सीनियर मिलिट्री कमांडर्स सीज फायर के ऑर्डर से शॉक्ड थे। मिलिटरीली एडवांटेजियस पोजीशन होने के बाद भी नेहरू जी की पॉलिटिक्स के चलते 1 जनवरी 1949 को यूएन के सीज फायर डिक्लेरेशन के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में आ गया और भारत ने पूरे जम्मू कश्मीर को रिक्लेम करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। इस सब के चलते न केवल भारत का मुकुट कश्मीर विखंडित हुआ, बल्कि पाकिस्तानी कबायलियों ने भारत में घुसकर हजारों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार भी किया। पर नेहरू जी ने यह सब देखकर भी अनदेखा कर दिया और हजारों कश्मीरी हिंदुओं को अनाथ कर दिया। अब बात करते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान की। स्वतंत्रता के ठीक पहले गिलगिट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन था और इसे 1 अगस्त 1947 को कश्मीर के महाराजा को पुनः हस्तांतरित कर दिया गया। लेकिन नवंबर 1947 में मेजर विलियम ब्राउन नामक ब्रिटिश ऑफिसर ने पाकिस्तान से मिलीभगत करके गिलगिट को पाकिस्तान को सौंप दिया। भारत ने अगस्त 1948 में बाल्टिस्तान को भी खो दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लेना तो दूर, प्रधानमंत्री नेहरू ने 1948 में पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने पास रखते हुए उसके बदले में भारत द्वारा प्रशासित जम्मू कश्मीर पर हमारे कंट्रोल को रिकॉग्नाइज कर युद्ध विराम करने के लिए रिक्वेस्ट कर डाली। गिलगिट को खो देने से भारत की अफगानिस्तान और तब के USSR तक पहुंच बंद हो गई। अब यहाँ की लैंड और रिसोर्सेस को पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को लीज पर दिया हुआ है। गिलगिट बाल्टिस्तान अब चाइना के लिए सीपैक का एंट्री पॉइंट है, जो शिनजियांग को बलूचिस्तान के जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है, जिसका डिप्लोमेटिक लॉस भारत आज भी उठा रहा है। अफगानिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान के बॉर्डर पर एक और जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन थी चित्राल। 1878 से जम्मू कश्मीर के महाराजा के आधिपत्य में रहा चित्राल स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का भाग बन गया। जम्मू कश्मीर स्टेट के भारत में एक्सेशन के बाद कांग्रेस के भूरे साहिबों ने अपने गोरे अंग्रेज मालिकों की मांगों के सामने सरेंडर करने की अपनी पॉलिसी या हैबिट के अकॉर्डिंग चित्राल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को कभी क्लेम ही नहीं किया। एक्सेसिवली मिनरल रिच होने के साथ साथ अफगानिस्तान और वाखन कॉरिडोर की प्रॉक्सिमिटी में होने के चलते इस रीजन का अपना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। आज इस कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान के पास तजाकिस्तान और चाइना तक इजी एक्सेस है। इसके साथ साथ चित्राल हिंदुओं से मिलती जुलती एंडेंजर्ड कलाश ट्राइब का भी घर है, जो पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन के चलते आज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। एक और ऐसी ही टेरिटरी है भारत के उरी और पुंछ के बीच स्थित हाजी पीर पास। 1965 के
भारत पाकिस्तान युद्ध में मेजर रणजीत सिंह दयाल के नेतृत्व में भारतीय सेना ने बहादुरी से स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हाजी पीर पास को कैप्चर कर लिया। लेकिन ताशकंद नेगोशिएशंस में कांग्रेस सरकार इस स्ट्रेटेजिक हाजी पीर पास को पाकिस्तान को लौटाने के लिए अग्री कर गई और इसके बदले में भारत को पाकिस्तान की ओर से वॉर से एब्जॉर करने की एक खोखली अंडरटेकिंग के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन आज ये हाजी पीर पास पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी घुसपैठ का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ, क्योंकि यह सीधे कश्मीर के उरी रीजन में ओपन होता है। इसी हाजी पीर पास का यूज करके पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी में भारतीय सेना के कैंप पर अटैक किया था, जिसमें हमारे 19 सैनिक बलिदानी हुए थे। इसके अलावा हाजी पीर पास का कंट्रोल खोने से जम्मू के पुंछ और कश्मीर के उरी के बीच की दूरी केवल 50-55 किलोमीटर रह जाती है, जो वर्तमान में 270-280 किलोमीटर से भी अधिक है, जिसकी भारी इकोनॉमिक कॉस्ट भी भारत को चुकानी पड़ती है। 1962 के इंडो चाइना वॉर में नेहरू जी की कांग्रेस सरकार की ईस्टर्न फ्रंटियर पर अनदेखी के चलते भारत ने लद्दाख के अक्साई चीन रीजन का 38,000 किलोमीटर एरिया चाइना को खो दिया। 1955 से ही भारतीय सेना की रिपीटेड वार्निंग्स के बाद भी कांग्रेस सरकार कम्युनिस्ट चाइना के थ्रेट को अंडरप्ले करती रही। यहां तक कि 1961 में अपने रिटायरमेंट स्पीच में भारतीय सेना प्रमुख जनरल थिमैया ने कहा था, आई होप दैट आई एम नॉट लीविंग यू एज कैनन फॉडर फॉर द चाइनीज कम्युनिस्ट्स। प्रधानमंत्री नेहरू को अक्साई चीन में चाइनीज इंट्रूजन और शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाले हाईवे कंस्ट्रक्शन की जानकारी भी थी, लेकिन उन्होंने न केवल इस इंफॉर्मेशन को देश से छुपाया बल्कि इस टेरिटोरियल लॉस को यह कहकर डिसमिस किया कि वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। आज जहां एक ओर चाइना ने अक्साई चीन में ऑल वेदर हाईवेज, टनल्स, अंडरग्राउंड बंकर्स और हेलीपैड्स बनाकर लद्दाख के डिफेंसेस के लिए एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रखा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में कुछ स्वघोषित एनवायरमेंटलिस्ट भारत सरकार और बीआरओ के स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट करने पर तुले हुए। इसी तरह 1963 में पाकिस्तान ने भारत की परमिशन के बिना जम्मू और कश्मीर की शाक्सगाम वैली का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना को दे दिया। और पाकिस्तान के इस इलीगल लैंड ट्रांसफर पर भारत सरकार का उत्तर था नेहरू जी का मौन व्रत। आज चाइनीज और पाकिस्तानी आर्मी दोनों मिलकर इस रीजन को पेट्रोल करती हैं। चाइना ने आज यहाँ अपने बॉर्डर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर लिया है और शाक्सगाम वैली के ठीक साउथ में लोकेटेड सियाचिन ग्लेशियर में भारत की मिलिट्री प्रेजेंस के लिए भी यह एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। हाल ही में मणिपुर कई लोगों का फेवरेट टॉपिक बनकर उभरा था, लेकिन इमोशनल ट्रिगर्स पर चलने वाले लोग रेयरली ही डिटेल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। एक बार श्री नेहरू ने मणिपुर को द ज्वेल ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया था, लेकिन अपने कोलोनियल हैंगओवर से कभी बाहर ना पाने वाले नेहरू जी संभवतः ज्वेल ऑफ मणिपुर कही जाने वाली कबाओ वैली से अनभिज्ञ थे। तभी तो उन्होंने मणिपुर के इस रिसोर्स रिच रीजन के 22,210 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कभी क्लेम ही नहीं किया। कांग्रेस के नॉर्थ ईस्टर्न भारत के प्रति इस सौतेले व्यवहार के चलते कभी मणिपुर को भारी ट्रिब्यूट देने वाले कबाओ वैली आज चाइनीज फंडिंग से पूर्वोत्तर भारत को डिस्टेबलाइज करने वाली इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस का सुरक्षित अड्डा बन चुकी है। पर मणिपुर में कांग्रेस सरकार के इस डार्क चैप्टर का रहस्योद्घाटन शायद ही डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बने घूम रहे किसी ज्ञानी यूट्यूबर ने किया है। पूर्वोत्तर में ऐसा ही एक और क्षेत्र था मणिपुर और त्रिपुरा के बीच स्थित चित्तगोंग हिल ट्राइब्स, जहां एथनिक हिल ट्राइब्स की पॉपुलेशन 98.5% थी। लेकिन नेहरू जी के डिसइंटरेस्ट और शॉर्ट साइटेडनेस के चलते भारत की स्वतंत्रता के 2 दिन बाद ही ये क्षेत्र ईस्ट पाकिस्तान को सौंप दिया गया। कभी वहाँ मेजॉरिटी रही चकमा कम्युनिटी आज भी 17 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाती है। इसके अतिरिक्त चित्तगोंग हिल ट्रैक्स को खोने के कारण पूर्वोत्तर भारत के लिए किसी भी सी पोर्ट का एक्सेस बहुत दूर हो गया, और कांग्रेस के इसी पॉलिसी पैरालिसिस के चलते आज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा इस क्षेत्र का उपयोग मिजो और नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स के ट्रेनिंग कैंप्स लगाने के लिए होता है। कच्छ तीवु, कोको आइलैंड्स, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेफरेंडम, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दे देना। कांग्रेस सरकार की इन ऐतिहासिक डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स की यह लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसके बाद भी शशि थरूर जैसे नेहरूवियन कांग्रेसी बड़े गर्व से यह कहते हैं कि इंडियाज इनिशियल फॉरेन पॉलिसी इमर्ज्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड हेड ऑफ वन मैन, नेहरू। यह एक तथ्य है कि आज भारत नेहरू जी के मिसप्लेस्ड आइडियलिज्म वाली शॉर्ट साइटेड फॉरेन पॉलिसी की कीमत अपने सैनिकों के रक्त और भारी सामरिक क्षति उठा कर चुका रहा है। जय श्री राम।